एवरीवन, मैं हूं कुसुम। मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज मैं पंजाब की स्पेशल डिश सरसों का साग बनाने जा रही हूं। तो आइए देखते हैं सरसों का साग कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं सरसों का साग बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने आधा किलो पालक लिया हुआ है और 250 ग्राम मैंने बथुआ लिया है और 250 ग्राम ही मैंने सरसों ली है और 250 ग्राम मैंने सोया ली है। सोया को मैं आधा डालूंगी। अब इसको हम साफ करके नमक पानी में वॉश करूंगी और उसके बाद मैं इसको बहुत बारीक बारीक काट लूंगी। ये हरी सब्जियां मैंने सारी धो के तैयार कर ली है। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये मैंने घर में साफ करके धो के काट के रखी हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी कटवा सकती हैं। ये देखिए, इसको काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये कुकर में मैंने डाल दिया और इसी के बीच में ये मैंने 4-5 फलियां लहसुन की और इसमें 2 प्याज मोटे मोटे काट के रख दिए, इसी में डाल देंगे और ऊपर से इसको पूरा भर देंगे। और ये 4 हरी मिर्ची डाल देंगे साबुत और 1/2 टेबल स्पून इसमें उबलने के लिए हम नमक ऐड कर देंगे और इसको हम पूरा भर देंगे। थोड़ा जब ये कम हो जाएगा इसके बाद इसको पूरा भर देंगे। इसको हम गैस में चढ़ा देंगे। अभी मैंने कुकर को फुल फ्लेम में रखा है और ये मैं थोड़ा कसी हुई अदरक भी डाल दूंगी। थोड़ा जब सब्जी इसमें से कम हो जाएगी तो इसमें मैं इसको मैं कवर कर दूंगी। ये हरी सब्जी है, ये एकदम कम होती है। ये सब्जी हमारी थोड़ा रिड्यूस हो गई है, अब इसको हम कवर कर लेंगे और इसमें हम 5-6 सीटी लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से गलाएंगे इसको और इसकी फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे। जब तक हमारा साग बॉईल होता है तब तक इस साग के तड़के के लिए मैंने सामग्री को रेडी कर लिया है। मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज काट ली है, बहुत बारीकी से चॉप कर रखी है। 4 मैंने टमाटर चॉप कर दिए हैं। 8-10 फलियां मैंने लहसुन की चॉप की हुई हैं। 1 टुकड़ा मैंने अदरक काटा है और 8-10 मैंने हरी मिर्ची बहुत बारीक बारीक काट ली है। अब हम सबसे पहले तड़का तैयार करेंगे। अब साग में तड़का लगाने के लिए मैं देसी घी यूज करूँगी। आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। घी थोड़ा मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि तड़के का मसाला बहुत ज़्यादा है और इसमें तड़का ही बहुत अच्छा लगाया जाता है। अब ये घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं सबसे पहले लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हल्का सा गोल्डन होने पर इसमें मैं प्याज डालूंगी। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। और प्याज के साथ ही साथ में 1 इंच हींग डाल दूंगी। ये प्याज और लहसुन को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। ये तड़के को मैं बहुत अच्छी तरह तैयार करूंगी क्योंकि इसमें मेन फ्लेवर तड़के का ही है। जितना अच्छा साग में तड़का लगाया जाता है साग का फ्लेवर उतना अच्छा उभर के आता है। इसको मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करूंगी और गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। और अभी साथ में अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भी लगातार ऐसे ही फ्राई करेंगे। देसी घी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भूनने में। लगातार चलाएंगे इसको, हम जलने नहीं देंगे। ये लहसुन प्याज अदरक हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को भी बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे ही गला लेंगे इसमें, ये इसी में मैश हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा हम इसको गलाने के लिए नमक डालेंगे, थोड़ा सा।
हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला था और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, क्योंकि साग में हल्दी ज्यादा लगती नहीं है। इन टमाटर को हम 2-3 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। जब तक हमारा मसाला रेडी होता है तब तक हम साग को चेक कर लेते हैं, देखते हैं गला नहीं गला। वाओ, बहुत अच्छी तरह गल गया है। अब इसको हम चम्मच की सहायता से ऐसे ही मैश करते रहेंगे। घुमाते रहेंगे। ये देखिए हम सब्जी को हमने बहुत अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसमें जो लहसुन प्याज अदरक था वो इसमें बिल्कुल मैश हो गया है। अब इसमें हम आलन लगाने के लिए 1 चम्मच ये मक्के का आटा डालेंगे और इसको फिर उसी तरह फिर फेंटेंगे। और इसमें लम्स ना रहे इसको तब तक हम फेंटते रहेंगे। हम मसाले को चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो रहा है। अब इसमें हम मैश की हुई सब्जियों को डाल देंगे। ये मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें हम ये साग डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह मैश कर लिया। देखिए और इसको अब मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, इसको ठीक ही रहने देते हैं। और इसको 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छी तरह पकाएंगे इसको लो फ्लेम में। और साग को हमारे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको भी चेक करेंगे। देखिए बनने को तैयार है। इसमें 2-3 मिनट और लेंगे। अब साग हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको सर्व करने के लिए इसमें घी या बटर डालिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसको हम सर्व करेंगे। सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब की प्रसिद्ध डिश है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।